subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाई माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी। सुबह के 5 बज गए हैं, 5 अक्टूबर को आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है, क्या लेकर पिक्यूलियर इंग्लिश को लेके। तो गाइज शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो के एंड में आप लोगों को खुद पता चलेगा कितने नए वर्ड्स आप लोगों ने आज सीखे। तो पहला वर्ड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये आपके सामने डॉक्टर। आपने सुना होगा डॉक्टर साहब आ गए, वो डॉक्टर एक नाउन की तरह यूज होता है जिसको हम बोलते हैं जो आदमी इलनेस को क्योर करता है। डॉक्टर वो होता है जो आपकी बीमारी को ठीक करता है ना, आपका इलाज करता है, उसको डॉक्टर बोलते हैं। वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, ही इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर को अगर मैं एक वर्ब की तरह यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू चीट समबडी, किसी आदमी को धोखा देना। धोखा के लिए जो है वो वर्ड क्या यूज हो जाएगा, डॉक्टर वर्ड का हम यूज कर देंगे। जैसे अगर हम इसका यूसेज देखें तो देखें जरा, द रिपोर्ट्स कुड हैव बीन डॉक्टर्ड। जो रिपोर्ट थी वो उनमें कुछ जालसाजी हो गई थी, जो ये रिपोर्ट आई है ये बढ़िया रिपोर्ट नहीं है, ये जेन्युइन रिपोर्ट नहीं है, ये डॉक्टर्ड रिपोर्ट है। डॉक्टर्ड एविडेंस होते हैं, ऐसे ही जो एविडेंस जिनको हम लोग जो एविडेंस ट्रू नहीं होते, जो एविडेंस सच्चे नहीं होते, जो एविडेंस अच्छे नहीं होते, उनको जो एविडेंस जो होते हैं जो जालसाजी से बने होते हैं, ऐसे ऐसे एविडेंस को हम लोग डॉक्टर्ड एविडेंस ही बोल सकते हैं। आई होप आपको ये वर्ड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए और जो नए स्टूडेंट मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को ना भूले। तो बढ़ते हैं आज अपने सेकंड वर्ड की तरफ और वो सेकंड फ्रेजेस है आपके सामने, ये टू हैव 40 विंग्स। टू हैव 40 विंग्स बहुत ही अच्छा ईडियम है, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और इसका मीनिंग होता है छोटी सी स्लीप लेना। डे टाइम में जब आप छोटी सी स्लीप लेते हो उसको बोलते हैं टू हैव 40 विंग्स। टू हैव अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, जैसे आप लोग 1 बजे 1.5 बजे का टाइम होता है, आपने लंच किया, लंच करने के बाद आप लोग क्या करते हो, 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा कर लेते हो, 15 मिनट के लिए आप सो जाते हो, दैट मीन्स यू यूजुअली हैव एट दैट टाइम 40 विंग्स। इसको जरा समझते हैं एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस के साथ और एक पिक्चर के साथ, जरा देखेंगे। ही यूजुअली हैज 40 विंग्स गोइंग होम बाय बस। जब वो बस के जब वो बस में जाता है तो वो क्या करता है, सो जाता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए और जो बच्चे आज नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं अपने तीसरे पिक्यूलियर ईडियम और फ्रेजेस की तरफ और थर्ड है हमारा ईडियम फ्रेजेस, ये अ फायर ईटर। अब आप बोलोगे सर फायर मीन्स आग होता है, ईटर मीन्स खाने वाला, जो आग खाने वाला, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, फायर ईटर आपका वो आदमी होता है जो इंसान कुछ कर्तव्य दिखाता है। आपने देखा होगा वो आग को लेके मुंह में और इस तरह से वो यू कैन से फायर करता है ताकि लोगों को एंटरटेन होते हैं। हु क्विकली गेट्स एंग्री, ये इसका एक मीनिंग होता है। या हु पुट्स, अगर मैं बात करूँ, हु पुट फ्लेमिंग रॉड्स इन टू देयर माउथ इन ऑर्डर टू एंटरटेन। आपने देखा होगा जो फ्लेमिंग रॉड्स होती हैं वो अपने मुंह में रख के फिर आग को फेंकता है, उस इंसान को भी फायर ईटर बोलते हैं। दूसरा इसका मीनिंग ये होता है, जो आदमी शॉर्ट टेम्पर होता है, जो आदमी इल टेम्पर होता है, उस इंसान को भी आप लोग फायर ईटर बोल सकते हैं। अगर कोई झगड़ालू है बोल सकते हैं ही इज़ अ फायर ईटर। आई होप आपको ये पिक्यूलियर फ्रेजेज पसंद आते हैं और जितना प्यार आप लोग इसको देते हो अच्छा लगता है मुझे भी। लेकिन प्लीज़ 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 जैसे आप इसको सीख रहे हैं, प्लीज़ अपने और 10 फ्रेंड्स को इसको सिखाइए। एक मूवमेंट ऐसा चला दीजिए इंडिया में कि हर बच्चे के पास ये वर्ड पहुंच जाए। आप लोग मेरे मैसेंजर हो, आप लोग ये काम को कर सकते हो। डेली मैं 4 शो आपके लिए लेके आता हूँ, एक सुबह 5 बजे जो अभी चल रहा है, एक 4 बजे शाम को, एक रात को 10:30 बजे और 11 बजे, रात को ही 11 बजे, उसी के 2 कंटिन्यू में ये शो हैं। अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये 4 शो में आप अटेंड कीजिए और विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आपको लगेगा कि वाकई आपको बहुत कुछ अच्छा महसूस होने लगा है और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पकड़ जो है वो बनने लगी है। तो गाइज आज आपके सामने मैं 10:30 पे एक मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ, 3 घंटे की रेगुलर क्लास जो आपके SSC चैनल पे होगी और इसमें मैं आपको 100+ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस क्लास को जरूर अटेंड करें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। जो भी बच्चा CGL के लिए, स्टेनो के लिए, CPO के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो इस क्लास को बिल्कुल जरूर देखें और आना ना भूलें।
और अभी तक भी अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।